अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। उसमें क्वेश्चन नंबर वन है, log 5 टू द बेस 10 प्लस 2 टाइम्स log 4 टू द बेस 10। अब यहां पर क्या करना है, तो इज इक्वल टू, फर्स्ट वी राइट log 5 टू द बेस 10 एज इट इज, देन प्लस। अब सेकेंड टर्म में हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करना है। उसमें मैंने ऑलरेडी सिखाया है कि अगर लॉग में पावर में नंबर है तो उसे आप आगे ले सकते हैं, या उल्टा अगर आगे नंबर है तो उसे हम पावर में शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहां पर जो टू टर्म आगे है उसे मैं शिफ्ट करता हूं 4 की पावर में, दैट इज बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो मुझे क्या मिलना चाहिए देन, log 4 स्क्वायर टू द बेस 10, सो इज इक्वल टू log 5 टू द बेस 10 हम ऐसे ही लिखेंगे, प्लस log। अब यहां पे ऑब्जर्व किया तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया टू द बेस 10। उसके बाद हम लॉ ऑफ प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्रोडक्ट नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट 5, उसके बाद जो प्लस साइन है उसे हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लीकेशन में। नेक्स्ट टर्म है हमारा 16 और दोनों टर्म के लिए हम बेस लिखेंगे 10। तो ये हो गया बाय यूजिंग लॉ ऑफ प्रोडक्ट। So next step will be log 16 into 5, जिसका आंसर मुझे मिला 80 टू द बेस 10। सो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने कंप्लीट किया। क्वेश्चन 1 था कि log 5 टू द बेस 10 प्लस 2 log 4 टू द बेस 10, कि जिसका मुझे फाइनल आंसर मिला log 80 टू द बेस 10। तो एग्जाम में ए टाइप के क्वेश्चन बेसिकली 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। टू log 3 माइनस 1/2 log 16 प्लस log 12। यहां पर इस क्वेश्चन में बेस मेंशन नहीं किए, इसका मतलब है जब क्वेश्चन में बेस गिवन नहीं रहेगा तो हम उसे 10 कंसीडर करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो इज इक्वल टू, सबसे पहले ऑब्जर्व किया तो पहला टर्म जो है 2 log 3, सो बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 2 कहां जाना चाहिए, 3 के पावर में, तो उसका आंसर मुझे मिला log 3 स्क्वायर, देन माइनस। उसके बाद ऑब्जर्व किया सेकेंड टर्म है 1/2 log 16, तो आगे का नंबर 1/2 है उसे हम शिफ्ट करते हैं 16 के पावर में, तो हमें क्या मिलना चाहिए, log 16 raise 1/2 and then we write plus log 12 as it is। तो यहां पर हमने simply by using law of exponent से question को solve कर रहे, then उसके बाद is equal to log 3 का square किया तो उसका answer हमें मिला 9, then minus log 16 का 1/2। अब 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना आता है 4, देन प्लस
log 12, उसके बाद हम लॉ ऑफ प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं सबसे पहला, तो log 9 प्लस log 12 जो पॉजिटिव टर्म है वो हमने बाजू में लिए, उसके बाद हम लिखते हैं माइनस log 4, सो ये टोटल होगा बाय यूजिंग लॉ ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज लॉ ऑफ, सो इज इक्वल टू log ब्रैकेट 9 इंटू 12 अपॉन 4. तो यहां पर हमने क्या किया, जहां पर प्लस है उसे मैंने कन्वर्ट किया मल्टीप्लीकेशन में, और जो log के आगे माइनस साइन है वो टर्म हमारा कहां आ गया, डिविजन में. सो इसका मतलब है यहां पर मैंने लॉ ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज लॉ ऑफ क्वोशन को अप्लाई किया. उसके बाद पॉसिबल कैंसलेशन देखते हैं, 4 वन जा 4, 4 थ्री जा 12, तो ये हो गया log 9 इंटू 3, 27. इसे मैं अगर और सिंप्लीफाई करता हूं तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं हम log 3 क्यूब, और फर्दर वी कैन राइट पावर का नंबर हम आगे ले सकते हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. तो हमें क्या मिलना चाहिए, 3 टाइम्स log 3. सो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कंप्लीट कर दिया. क्वेश्चन नंबर 2 था 2 log 3 माइनस 1 अपॉन 2 log 16 प्लस log 12, कि जिसका आंसर हमें मिला, एक तो आप आंसर लिख सकते हैं यहां पर log 27 और 3 log 3.